Hey guys, welcome to Home Tutes. Home Tute is your new way to learn. आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स और इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं. It is also in our class 10th RBSE chapter 3. Do watch the complete video. Like, share and subscribe. Press the bell icon to get regular updates from our channel. Thank you. Here we have chapter 3 introduction. Chapter name हमारा था polynomial यानी कि बहुपद. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि what is polynomial या बहुपद क्या होता है. Mathematics में किसी भी पद जैसे कि 5x, 9x, 5y, 2x या ऐसी किसी भी term को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं. और ऐसे बहुत सारे पदों को जब हम मिलाते हैं या कुछ पदों को मिलाते हैं तो एक statement बनता है जिसे statement को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं. जैसे हिंदी इंग्लिश में हम क्या करते हैं, वर्ड्स को जोड़ते हुए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स में हम पदों को जोड़ते हैं और उनको जब इकट्ठा कर लेते हैं तो वो जो एक कैलकुलेशन आती है वो क्या कहलाती है, बहुपद या व्यंजक. जैसे कि अभी हमने क्या देखा कि 5x, 6x, 2x, 5y ये किसी भी तरह की टर्म्स हो सकती हैं और जब हम इन्हें किसी कैलकुलेशंस में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 3a plus 2b minus 5c plus 6 इस तरह से. और इन्हें किस तरह से जोड़ते हैं हम, जैसे हम इंग्लिश में लगाते हैं is mr या हिंदी में हम हमारे एडिशनल सेंटेंस जोड़ते हैं, उसी तरह से हम मैथ्स में क्या करते हैं, साइंस लेते हैं. नेगेटिव, प्लस, पॉजिटिव, माइनस, कैलकुलेशन, डिविजन, ये सब क्या है, इसके साइंस हैं जिनकी मदद से हम इन्हें एक स्टेटमेंट बनाते हैं. अब इसमें स्टेटमेंट में क्या होता है ना, जो नंबर्स हमारे टर्म्स हैं वो है 3a. इसमें एक राशि चर होती है, एक अचर होती है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल. तो कांस्टेंट क्या होता है, अचर राशि, जैसे कि जो नंबर बदल नहीं सकता, जैसे 3 है तो ये एक अचर राशि, इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है कि इसकी वैल्यू 3 है तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, तो वो एक अचर राशि है, कांस्टेंट नंबर है. और उसके पास में जो पद दिया गया है हमें, ये a है. अब ये क्या है, ये चर है यानी कि वेरिएबल है. ये वेरिएबल क्या होता है ना, ए से लेके जेड तक कोई भी एक अल्फाबेट हो सकता है, इट कैन बी बी सी डी ई एफ, कुछ भी एक अल्फाबेट हो सकता है जिसकी वैल्यू हमें पता करनी होती है. इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है पर वो हमें फाइंड आउट करनी होती है. अब जानते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. पदों की संख्या के अनुसार इसके विशिष्ट उपनाम होते हैं, जैसे कि रैखिक, द्विघाती या त्रिघातीय. एक घातीय यानी कि रैखिक. रैखिक मतलब क्या होता है, जिस पद में केवल एक ही टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक पद या मोनोमियल्स या फिर एक पदी बहुपद. जैसे कि मान लो किसी में सिर्फ 3x ही है या किसी में 3x का स्क्वायर है या किसी में 5x है. ये जो टर्म्स है ना, 5x, 9x, इस तरह से जब कोई एक सिंगल टर्म होती है ना तो उसे हम क्या कहते हैं कि रैखिक यानी कि मोनोमियल, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही पद होगा. और जहां पे पदों की संख्या दो हो जाएंगी वो कितने हो जाएंगे, द्विघातीय पद. कैसे, जहां पे हमने मान लिया कि 3x plus 5 होता है, 6x plus 9 होता है, 6x, 9x, ये दो कोई भी दो पद मिल जाएंगे जहां पे, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघातीय यानी कि बाइनोमियल्स. और उसके अलावा त्रिपदीय होता है. त्रिपदीय यानी कि जहां पे पदों की संख्या 3 होती है तो वो क्या कहलाता है, त्रिपदीय. जैसे कि 5x plus 6x plus 7, 3x square plus 2x plus 9, इस तरह से जब हमको 3 पद मिल जाएंगे किसी एक इक्वेशन में तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद. अब देखते हैं बहुपद की घात क्या होती है. बहुपद, हमारे पास कुछ पद दिए गए हैं यहाँ पे, इन्हें हम मानते हैं कि 3a plus 2b minus 5c plus 6, अभी इनके ऊपर कोई घात नहीं लगी है. मान लेते हैं हम, अब जैसे हमारे पास ये पद है 3a तो इसके हमने मान लिया कि इसकी पावर 7 है यहाँ पे, तो हमने बता दिया कि इसकी पावर कितनी है, 7 है. और आगे कितना है, 2b है, 2b की पावर हम मान लेते हैं कि 3 है. उसके बाद 5c, वहां पे हम कोई पावर नहीं मानते हैं तो उसकी पावर कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं कि वहां पे 0 है. लेकिन इन सब में से अब बहुपद में देखिए कि जो सबसे ज्यादा हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर सबसे ज्यादा कौन सी है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वो कितनी है, 7 है. ए के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर लिखी हुई है जो कि क्या है, 7 है. इसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं. पूरे बहुपद में सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी ना वो उसकी घात कहलाती है. और ये घात किस पे होनी चाहिए, वेरिएबल के ऊपर,
ना कि किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर। जैसे कि 6 के ऊपर अगर कोई घात लगती भी है तो वो उसकी पावर या डिग्री नहीं कहलाएगी। उसके लिए क्या होना जरूरी होता है कि वो डिग्री किसी वेरिएबल के ऊपर लगी हो, या तो सी के ऊपर हो, या बी के ऊपर हो, या ए के ऊपर हो, या एक्स के ऊपर हो। अब जानते हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद में एक चर के स्थान पर किसी वास्तविक संख्या को प्रतिस्थापित करने पर यदि बहुपद का मान शून्य आ जाए तो वास्तविक संख्या जो होती है वो बहुपद का शून्यांक कहलाती है। मतलब देखिए कि हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, ये जो हमने एक स्टेटमेंट लिया है 3a plus 2b minus 5c plus 6, ये एक स्टेटमेंट है, इसको हमें क्या मानना है, जीरो मानना है, इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे हमने इज इक्वल्स टू जीरो कर दिया। अब हमें क्या पता करना है कि यहाँ पे मान लो एक 3x plus 6x plus 5y, तो हमें बताना है कि हमको x को किसी एक नंबर से रिप्लेस करना पड़ेगा और वही नंबर वहां पे x की वैल्यू को अगर हम डालते हैं तो वहां पे क्या होगा कि x की वैल्यू डालते ही हमें जीरो आंसर आ जाता है अगर इक्वल्स में, तो हम उसको क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य। इसके लिए क्या जरूरी होता है कि जो हमारी बहुपद है वो एक टर्म में हो, यानी कि अगर x में है तो x में ही चले, अगर y में है तो y में ही चले, या अगर z में है या b में है या c में है, जिसमें भी है वो एक ही वेरिएबल के अकॉर्डिंग चले। ये हमने जान लिया बहुपद से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो भी हमारे सिलेबस के लिए जरूरी थी। बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, बहुपद की घात क्या होती है, व्हाट आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, दीस आर द ऑल बेसिक नेसेसिटीज दैट वी रिक्वायर्ड टू मूव ऑन टू द चैप्टर। सो यहाँ पे हमने सारी जानकारी ले ली है। कृपया इस वीडियो को देखिए, रिपीट कीजिए और सारी जानकारी को आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।